चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के होली क्षेत्र को जोड़ने वाला खड़ामुख होली मार्ग गरोला के समीप भारी भूस्खलन के चलते गत 3 सप्ताह से बंद पड़ा है, जिसके चलते होली क्षेत्र की 12 पंचायतों का भरमौर व चंबा जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। ऐसे में लोगों को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। होली क्षेत्र में आवाजाही के लिए सीयूर पुल से होकर आवश्यक वाहन भेजे जा रहे हैं, लेकिन लकड़ी का पुल होने के चलते बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित है। लोगों ने प्रशासन से खड़ामुख होली मार्ग को जल्द जल्द बहाल करने की मांग की है। वहीं एसडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा की अगुवाई में बंद पड़े मार्ग का जायजा लिया गया है और मार्ग को खोलने के लिए विशेष कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि मार्ग को खोलने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ जो प्रोजेक्ट कार्यरत है जेएसडब्ल्यू, उनकी ओर से भी मशीनरी भी और मैन पावर वहाँ लगाई जा रही है। तो इसमें जैसे ये स्लाइड बहुत इस टाइम जो है लगभग 200 मीटर जो रोड का भाग है उसमें इफेक्ट कर रहा है ये, और बार बार जो है साफ करने के बाद जो है ऊपर से और मलबा जो है उसमें और पत्थर जो है गिर रहे हैं। तो वहाँ प्रयास पूरे जारी है सबकी ओर से, और ताकि इसको जल्दी से जल्दी खोला जा सके।